दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल लेसेस क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th जो पिछले सेशन में पास किए हैं उनके 10,000 रुपये वाले जो स्कीम है जो कि बिहार सरकार चलाती है, वो कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे आप लोग अपना जो है सो स्कूल वाइज अपना देख सकते हैं लिस्ट, और कैसे इसको जो है सो सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी तक स्कूल के द्वारा सबमिट ना किया गया हो तो। चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना जिसका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल बक्सामा गुरोल वैशाली के स्टूडेंट लिस्ट को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिषेक कुमार, नारायण पासवान, कौशल्या देवी, इनका जो भी है इनका अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है। उसी तरह से अली अहमद देख सकते हैं, तो इनका सबमिट हो गया है और एंड प्रोसेस टू बैंक हो चुका है। उसके बाद अंशु कुमारी का भी आप लोग देख सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों का पेमेंट भी हो चुका है। जैसे यहाँ देख लीजिए फरजाना खातून, MDA करामुल हक, इनका हो चुका है पेमेंट, जिन लोगों ने अपना वेरिफिकेशन कर लिया उनका पेमेंट हो चुका है। और इसी तरह से आप लोग नीचे से देख सकते हैं पूरा, देख यहाँ पे देख लीजिए। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ये, अब इसको अब मान लीजिए कि अब जो नॉट सबमिटेड है उसको हम लोग कैसे सबमिट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके होम पे जाना पड़ेगा। यहाँ होम है, इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि आपका बिफोर फिलिंग क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, बैंक अकाउंट इन नेम स्टूडेंट्स एंड IFSC कोड ऑफ ब्रांच, ये ले लेना है। उसके बाद आधार नंबर भी होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि 1,50,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद ठीक नीचे आइएगा तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स है, तो यहाँ पे क्या है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पूरा बायो डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे जो भी होगा जिसका, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे, और ये जैसे ही डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपका बायोडाटा खुलेगा, और उसके बाद जब बायोडाटा खुलेगा तो फिर आप वहाँ से क्या कर सकते हैं अपना डिटेल्स भर सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे वो PDF मोड में होना चाहिए, और उसकी साइज़ जो है सो 400 KB से कम होनी चाहिए, अगर उससे अधिक होगी तो वह लोड नहीं लेगा। तो यही था आज का वीडियो, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें, थैंक यू।